हेलो स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 14 इंडियाज़ नेबर्स के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। आज इन्हें एक्सप्लेन करूँगी मैं आपको, और ये क्वेश्चन आंसर्स आपको अपनी नोटबुक में राइट डाउन करने हैं। ओके, सो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 इज़ नेम इंडियाज़ नेबर्स। सो इंडिया की जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं आपको उनके नाम लिखने हैं इसमें। सो आंसर इज़ इंडियाज़ नेबर्स आर पाकिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश एंड श्रीलंका। सो ये जितनी भी कंट्रीज़ हैं ये इंडिया की क्या हैं? नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, हमारी कंट्री के आसपास की कंट्रीज़ हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ विच ऑफ इंडियाज़ नेबर इज़ लैंड लॉक्ड, मीनिंग दैट इट हैज़ नो एक्सेस टू द सी। सो इस क्वेश्चन में आपको कहा है कि आपको इंडिया की ऐसी नेबरिंग कंट्री का नाम बताना है जो कि लैंड लॉक है। लैंड लॉक का मीनिंग ये होता है कि ऐसी कंट्री जो चारों तरफ से लैंड से लॉक हुई हुई है, यानी कि उसके आसपास कहीं पर भी सी नहीं है। ओके, उस कंट्री के चारों साइड क्या है? दूसरी कंट्रीज ही हैं, लैंड एरिया ही है, कोई भी वाटर बॉडी सी ओशन नहीं है। ओके, सो ऐसी सिर्फ एक ही कंट्री है, वो है भूटान। भूटान इज़ लैंड लॉक्ड बिटवीन चाइना एंड इंडिया। भूटान जो कंट्री है वो चाइना और इंडिया के बीच में आती है, और ये चारों तरफ से ही लैंड लॉक है, यहाँ पे सी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ बुद्धिज़्म लिंक्स सेवरल नेबर्स टू इंडिया, नेम देम एंड एक्सप्लेन व्हाट दीज लिंक्स आर। सो बुद्धिज़्म की वजह से इंडिया कई कंट्रीज़ के साथ कनेक्टेड है, कई कंट्रीज़ के साथ हमारे लिंक्स बने हुए हैं सिर्फ और सिर्फ बुद्धिज़्म की वजह से, इस रिलीजन की वजह से। सो आपको उन कंट्रीज़ के नाम लिखने हैं सबसे पहले तो, कि वो कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं जिनसे इंडिया बुद्धिज़्म लिंक से कनेक्टेड है, और वो लिंक्स क्या हैं। सो सबसे पहले आप करेंगे बुद्धिज़्म लिंक्स सेवरल नेबर्स टू इंडिया लाइक नेपाल, चाइना, भूटान, म्यांमार एंड श्रीलंका। सो ये जो कंट्रीज़ हैं इनके साथ इंडिया इंडिया के बुद्धिज़्म लिंक्स हैं। दीज लिंक्स आर एज फॉलो। अब नीचे हम डिटेल में इनके बारे में पढ़ेंगे कि किस कंट्री के साथ क्या लिंक है। ओके, सो फर्स्ट वन इज़ लिंक्स विथ नेपाल। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि नेपाल के साथ हमारे क्या लिंक्स हैं, बुद्धिज़्म रिलीजन के कनेक्ट से क्या लिंक है। गौतम बुद्धा वॉज बॉर्न इन लम्बिनी, नाउ इन नेपाल। जहाँ गौतम बुद्धा का जन्म हुआ लंबिनी जगह पर, वो अब नेपाल में है। बट ही लिव्ड एंड प्रीच इन एरियाज दैट आर नाउ इन बिहार एंड उत्तर प्रदेश। सो लेकिन उनका जन्म वहाँ हुआ लंबिनी में, लेकिन वो ज़्यादातर कहाँ पर रहे और उन्होंने अपनी जो टीचिंग्स थी वो कहाँ पर लोगों को दी, वो जगह आप कहाँ पर है? बिहार और उत्तर प्रदेश में, जो कि इंडिया की स्टेट्स हैं। सो इस तरीके से नेपाल जो है वो नेपाल के साथ हमारी कंट्री के बुद्धिज़्म लिंक्स हैं। नेक्स्ट वन इज़ लिंक्स विद चाइना। चाइना के साथ किस तरीके से लिंक है हमारे? सो उसमें आएगा चाइनीज ट्रेवलर्स केम रेगुलरली टू इंडिया द बर्थ प्लेस ऑफ बुद्धिज़्म टू लर्न मोर अबाउट द रिलीजन। सो सबसे पहले तो हम ये बात करेंगे कि चाइनीज़ जो ट्रैवलर्स होते थे वो रेगुलरली इंडिया आते थे, ताकि जो गौतम बुद्धा का बर्थ प्लेस है, जो कि पहले इंडिया में ही था लेकिन अब नेपाल में हो गया है क्योंकि नेपाल अलग कंट्री है, तो लेकिन ये पहले इंडिया में ही आती थी ये जगह लंबिनी। सो इस जगह पर जो चाइनीज़ ट्रैवलर्स थे वो आते थे गौतम बुद्धा का बर्थ प्लेस देखने के लिए। ठीक है, और
इस रिलीजन के बारे में और ज़्यादा जानने के लिए और ज़्यादा एक्सप्लोर करने के लिए वो इंडिया आते थे। उनमें से 2 चाइनीज़ बुद्धिस्ट मॉन्क्स थे। जो 2 वो मॉन्क्स थे, फाजियान एंड जुआनजैंग, उन्होंने अपनी जो ट्रैवल उन्होंने करी चाइना से लेके इंडिया तक, तो उन्होंने उसके बारे में एक बुक भी लिखी जिसके बारे में उन्होंने पूरी डिटेल लिखी कि उन्होंने क्या क्या एक्सपीरियंस किया यहाँ आकर। तो उन्होंने अपनी ट्रैवल के बारे में पूरा डिटेल में लिखा हुआ है। थर्ड वन इज़ लिंक्स विद भूटान। तो भूटान कंट्री के साथ क्या लिंक्स हैं हमारी कंट्री के। पद्मा संभावा जो थे वो एक बुद्धिस्ट संत थे। फ्रॉम इंडिया वेंट टू भूटान, जो कि इंडिया के थे और वो इंडिया से कहाँ गए, भूटान गए, टू स्प्रेड द टीचिंग्स ऑफ द बुद्धा। गौतम बुद्धा की टीचिंग्स को आगे लोगों में फैलाने के लिए, स्प्रेड करने के लिए वो इंडिया से भूटान गए। सो इस तरीके से भूटान के साथ भी हमारी कंट्री के लिंक बनते हैं। ओके, नेक्स्ट इज़ म्यांमार। लिंक्स विद म्यांमार। सो म्यांमार के साथ किस तरीके से हमारे बुद्धिस्ट लिंक है। इंडिया एंड म्यांमार हैव एन एंशिएंट कनेक्शन थ्रू रिलीजन बुद्धिज़्म। सो म्यांमार कंट्री के साथ भी इसी तरीके से इंडिया के बहुत सारे लिंक हैं बुद्धिज़्म से कनेक्टेड। ट्रैवलर्स आते थे इंडिया, या कई ऐसे होते थे जो संत होते हैं, बुद्धिस्ट संत होते हैं, वो आते थे इंडिया में ट्रैवल करने, ताकि वो गौतम बुद्धा के बारे में और उनकी टीचिंग्स के बारे में, या उनका कहाँ जन्म हुआ, वो कहाँ कहाँ रहते थे, उन सब के बारे में सर्च करने के लिए और उन जगहों को और ज़्यादा एक्सप्लोर करने के लिए लोग एक कंट्री से दूसरी कंट्रीज़ में आते थे। सो बेसिकली इंडिया ही सेंटर रहा है इन सब चीज़ों का। जो अदर कंट्रीज़ के ट्रैवलर्स थे वो इंडिया आते थे इन सब चीज़ों के लिए। और म्यांमार के साथ ट्रेड भी बहुत, ट्रेड लिंक्स भी रहे हैं इंडिया के। सो इसलिए इनके आपस में काफ़ी पुराने रिलेशन हैं इन दोनों कंट्रीज़ के। सो लास्ट लिंक इज़ विद श्रीलंका। श्रीलंका से किस तरीके से लिंक है बुद्धिस्ट लिंक हमारी कंट्री का। सो इम्पीरियर अशोकास चिल्ड्रन, जो इम्पीरियर अशोका थे उनके जो बच्चे थे आगे, जिनका नाम था महेंद्रा एंड संघमित्रा, ये दोनों उनके बच्चे थे, टुक द टीचिंग्स ऑफ बुद्धा टू श्रीलंका। वो इंडिया से श्रीलंका गए ताकि गौतम बुद्धा की टीचिंग्स को वो वहाँ के लोगों को बता सकें, लोगों में स्प्रेड कर सकें, उनके जो उपदेश थे वो आगे लोगों को बता पाए, समझा पाए। इस तरीके से वो वहाँ जाकर उपदेश देते थे जो गौतम बुद्धा ने दिए लोगों को। आगे उन्होंने उनकी जो टीचिंग्स थी वो आगे लोगों तक फैलाई ताकि लोगों को वो और अच्छे से समझ आ पाए। इस तरीके से इंडिया के लिंक्स इन 5 कंट्रीज से बुद्धिज़्म की वजह से भी हैं। और भी बहुत सारे लिंक्स हैं हमारे इन कंट्रीज़ के साथ, जैसे कि हमने इस चैप्टर में पढ़े थे इंडियाज़ नेबर्स में, कुछ हिस्टोरिकल लिंक्स हैं, कुछ ये हिस्टोरिकल लिंक्स हो गए और ज्योग्राफिकल लिंक्स भी हैं। इस तरीके से ये कंट्रीज आपस में कनेक्टेड हैं। और आपको इन क्वेश्चन आंसर्स को अपनी नोटबुक में करना है। लास्ट जो आपको काम दिया था वो आप लोगों ने वो कर लिया होगा। एक टेबल मैंने और दिया था आपको लास्ट वीडियो में, बताया था जिसके बारे में, जिसमें आपको कंट्रीज़ कैपिटल देयर करेंसीज इन लैंग्वेजेस वाला टेबल था, वो आपको करना था। इस चैप्टर का क्वेश्चन नंबर ए जो है एक्सरसाइज का, वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, वो हम नहीं करेंगे। बाकी आपको ये क्वेश्चन आंसर्स करने हैं। अभी इसके जो आगे क्वेश्चन बचे हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अभी आपको सिर्फ ये 3 क्वेश्चन आंसर्स ही करने हैं अपनी नोटबुक के अंदर। होप आप लोगों को ये सब अच्छे से समझ आया होगा और इनको आप लर्न भी करना अपने घर पर, और जो इनके न्यू वर्ड्स हैं वो भी आपको नोटबुक में करने थे और उनको भी लर्न करना है आपको। और जो बुक वर्क होगा, जो क्वेश्चन नंबर सी था, वो आपको इसमें ही करना था, बुक में ही करना था मेनली। बाकी ये जो क्वेश्चन आंसर्स है वो आपको
अपनी नोटबुक में करना है। होप आप लोगों को ये अच्छे से समझ आया होगा। एंड बी सेफ, अपने घर पे रहिए और सेफ रहिए। थैंक यू।